आज की क्लास में हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. दिस इज ऑन पेज नंबर 72. कम टू पेज नंबर 72 ऑन योर बुक्स. उम्मीद है आपने एक्सरसाइज 2.5 की अच्छी तरह प्रैक्टिस की होगी. अच्छा, तो ये ऐसा रिव्यू है, मतलब इस पूरे बुक में इस तरह की एक्सरसाइज आएंगे हमारे साथ कि मतलब हर एक एक्सरसाइज में जो चीज होगी इस पूरे एक्सरसाइज में, इस रिव्यू एक्सरसाइज में उसको रिपीट किया होगा. मतलब जो मेथड्स आप लोगों ने सीखे होंगे हर एक एक्सरसाइज तकरीबन, जो डिफिनेशंस आप लोगों ने सीखे होंगे वो सारे आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे. ठीक है जी. तो रिव्यू आपके हर एक चैप्टर में मौजूद है. आपके ये 9 का बुक है ना, इसमें ये 17 चैप्टर्स हैं. तो हर एक चैप्टर के एंड में ये रिव्यू इन्होंने डाली हुई है. सही है. तो आप चैप्टर 2 की रिव्यू निकाले पेज नंबर 72 पे, अपने साथ पेंसिल रख के, स्टिकी नोट्स भी रख के, जो मैं आपको रेफर करवा दूँ एमसीक्यूज पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो साथ में आप वो अपने साथ नोट किया करें और या अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिया करें. सही है. एट अ टाइम ही स्क्रीनशॉट लिया करें, फिर आपको मसला नहीं आएगा. लेकिन मैं तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता लिखवाता हूँ, तो अच्छी बात है कि आप स्टिकी नोट से लिख के या बुक के इस साइड पे लिख के जो रेफर होगा तो अच्छा रहेगा. ठीक है जी. चलिए जी, बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ. रिव्यू एक्सरसाइज सेकेंड ऑन पेज 72. द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज, टेल विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. ये ट्रू और फॉल्स है. तो आज आपका टेस्ट भी है. सही है. मैं देखता हूँ कि आप लोगों ने कुछ सीखा है या नहीं. फर्स्ट वन पार्ट है 3 पावर 1/3. क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर होता है? नहीं होता है, हमें पता है. किस चीज के बराबर होता है कौन बता सकते? क्लास में मुकाबला शुरू हो गया जी. हाँ, तीनों स्टूडेंट लड़कियां है. ठीक है ना. बॉयज अब्दुल्ला. ओके, आंसर दिस वन. ये तो हमें पता है कि ये गलत है. बताए कि इसका सही क्या होगा. 3 पावर 1/3 किस चीज के बराबर है? अब्दुल्ला जान, आर यू हियरिंग मी? यस जी, बताए जल्दी, शाबाश. अब्दुल्ला, उमाइजा जी. सर, क्यूब स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट के अंदर 3, मतलब थर्ड रूट ऑफ, आप वो बता रही है ना, तो थर्ड रूट बोलना है इसको. ठीक है, मतलब 3 पावर 1/3 थर्ड रूट के बराबर होता है. सही है जी, समझ गए आप. चलिए ठीक है, कुछ ना कुछ गुजारा किया है. चलिए इसके लिए रेडी रहे. 2 पावर 2/3 किस चीज के बराबर होता है? क्या ये ठीक है? अब्दुल्ला आप फिर बोलते नहीं है, हैंड रेस कर देते हैं. क्या ये ट्रू है? जी फरहान, बताए ये ट्रू है. एनीवन इनसाइड द क्लास? उमाइजा जी बताए आप. सर ये ट्रू है क्योंकि ये थर्ड रूट ऑफ 2 स्क्वायर है और 2 स्क्वायर से 4 आता है, तो ये थर्ड रूट. वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश. ये देखिए मैं इनको करवा भी देता हूँ. ठीक है, बोर्ड पे ये कुछ इस तरह है, अपने साथ रफ वर्क में नोट करें. सही है.
मैं बोर्ड शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ये कुछ इस तरह है कि सेकेंड वन दिस इज 2 power 2 by 3। कैन आई राइट इट एज 2 power 2 multiply 1 by 3? यस आई कैन। वाला इस्तेमाल करें, 2 को स्क्वायर दे दे और 2 को 1 by 3 दे दे, ठीक है 1 by 3 दे दे। तो हमारे पास नेक्स्ट में नहीं, इस तरह नहीं है, ठीक है सॉरी, बस हम डायरेक्ट इससे 4 लिख लेंगे, ठीक है। देखिए असल में ये तो 2 को जब आप स्क्वायर दे देंगे ना तो ये 4 बन जाएगा। चलो इसको मैंने 4 लिखा और ये 1 by 3 इसके ऊपर है, इस तरह थोड़ी आसानी हो गई, सही। और इसको हम किस तरह लिखते हैं, सेंस 1 by 3 इस चीज के बराबर है, ये तो थर्ड रूट कहलाता है ना, ये जो वही एक्सरसाइज 2.3 का काम है। तो 4 के ऊपर आप थर्ड रूट लगा ले तो हाँ ये ट्रू है। ये इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले ले आप लोग, शाबाश। ये आपने साथ नोट कर ले, फिर मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है अच्छा जी। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। स्क्वायर रूट ऑफ 49 किस चीज के बराबर होता है? क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 के बराबर होता है? एनीवन इनसाइड द क्लास हरी अप, टू उमायजा और फरहान बलगजरा, बच्चे आप बताएं आंसर करें। यस सर, ठीक है ये सोचे। नो सर। हाँ ये किस चीज के बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 किस चीज के बराबर होता है सर? 49 किस चीज का स्क्वायर है ये बता दें। सिक्स सिक्स 36 और 7 7 49, तो 49 जो है वो तो 7 का स्क्वायर है ना, समझ आ रही है आपको? बोर्ड की तरफ देखें, लुक टू दिस, द थर्ड वन ये कह रहे हैं कि अच्छा मैं इनको क्लियर करवा दूं, ये कह रहे थर्ड में कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 स्क्वायर रूट ऑफ 7 के बराबर होते हैं। नो दिस इज फॉल्स, बिकॉज वी नो दैट 49 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम 7 स्क्वायर अपनी जगह पे और इस स्क्वायर रूट के लिए ऊपर क्या लिख के ये तो बता देना, स्क्वायर रूट के लिए ऊपर क्या लिख के 1 by 2 लिखेंगे ना, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये तो 7 आता है और ये तो उन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ 7 दिया है, तो उनकी बात गलत है ना, इसका आंसर क्या है, प्लस 7 आता है, ठीक है, तो ये इसलिए फाल्स है, फाल्स। सब समझ गए, जिसको कंफ्यूजन है वो हैंड रेस करे इसमें, जिसको कंफ्यूजन है वो हैंड रेस करे। जी वर्दा शुएब सर, ये 7 7 था, 49 नहीं आता। हाँ तो मैंने 7 स्क्वायर लिखा है ना, 7 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 7 multiply 7, तो मैंने 7 स्क्वायर लिखा, ये समझ गई आप? तो नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट के लिए हमने क्या लिखा, 1 by 2 लिखा, तो 2 और 2 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आता है, 7 आता है 7. और उन्होंने तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 दिया है, तो गलत है ना, समझ गए आप? ओके गुड, यस। चलिए अब दोबारा अपने नोट्स बुक की तरफ आ जाए आप लोग। नेक्स्ट फोर्थ वन में ये कह रहे हैं कि थर्ड रूट ऑफ 27 एक्स क्यूब के बराबर है, क्या ये ठीक है, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको शाबाश सोच के?
सोच के एक्सप्लेन कर इसको जी। फरहान आप एक्सप्लेन करें। सर ये तो गलत है ना। हाँ तो ये एक्सप्लेन करवा दे जरा, क्या मसला है इसमें? सर अब जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाए तो 27 वन बाय थ्री आ जाता है। हाँ तो वो किस चीज के बराबर आते हैं? 27 किस चीज का क्यूब है? थ्री का। गुड, तो थ्री क्यूब होल क्यूब। चले हम इस इनको बोर्ड पे भी करवा देते हैं, ठीक है। ये असल में इस तरह है ना कि ये माइक बंद करें। The third root of 27 is equal to x cube? No, false. Why? Look to its solution. Solution is we have third root equals to 1 by 3. So 27 ऊपर हम लिखेंगे 1/3। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में हम 27 को इस तरह लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3। यस आई कैन राइट। नेक्स्ट स्टेप, 3³/1/3। ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो ये तो 3 के बराबर है और उन्होंने तो हमें कोई वेरिएबल दिया हुआ है। दिस इज द आंसर, तो इसलिए ये फॉल्स है। ओके स्टूडेंट, सब अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। जी इस वाले में जिसको कंफ्यूजन था वो हैंड रेस करें। जी जवार बच्चे आप बोले, क्या मसला है जवार? जी जवार, ओके आपको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी चलिए आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। सब सही है, रेडी रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बोर्ड के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। सही है, तो आपका कंसेप्ट हो इस पे, तो इसलिए मैं इस पे टाइम ले रहा हूँ। सही है जी, क्वेश्चन 2 में है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए, जिसको मसला हो साथ साथ डिस्कस किया करें। द फर्स्ट वन इज, रेडी रहे क्वेश्चंस के लिए। सही है, the additive inverse of square root of 5 is minus square root of 5. इसमें फर्स्ट वाले ए ऑप्शन को आप टिक लगाएं। अच्छा ये इस बुक में ए बी सी ऑप्शन है तो हम टिक लगाएंगे, लेकिन जब आप पेपर देंगे इंशाल्लाह तो आपका पार्ट ए सब्जेक्ट तो जिस तरह क्लास 7 में होता था उसी अंदाज से आप बबल को शेड करेंगे बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक। तो चलिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 का एडिटिव इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, हमें पता है। बस इस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को आप, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को आप, ऑप्शन ए को आप टिक लगाए। लेकिन मुझे कोई स्टूडेंट एडिटिव इनवर्स डिफाइन करवा दे, एनीवन इनसाइड द क्लास, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, मुझे कोई इस पे समझा दे। किसी को नहीं आ रहा है? एडिटिव इनवर्स इज वेरी इजी। जी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला एक्सप्लेन द एडिटिव इनवर्स। एक्सक्यूज मी सर, ये एडिटिव इनवर्स जो है वो माइनस हो, माइनस स्क्वायर माइनस को कहते हैं, माइनस 5। जैसे ये एडिटिव है, ये प्लस में है स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस 5 होगा।
हाँ लेकिन कंसेप्ट क्या होना चाहिए ना इसका, मतलब क्या ऐसी क्या बात हो जाती है माइनस से। जी मतलब इसको सर कैंसिल करने के लिए। हाँ, लेकिन कैंसिल होने के बाद फिर जो है का आंसर क्या आ जाता है। एडिटिव इनवर्स एक नंबर का वो नंबर होता है जो उसके साथ हम ऐड करें, उससे आंसर क्या बन जाए, यस जीरो बन जाए। ठीक है ना, जीरो बन जाए, तो जीरो बोलना जरूरी है। इसको कट ठीक है, करके हम हाँ जीरो जैसे कि आंसर आ अगर जाएगा आप हमारे स्क्वायर साथ, रूट ऑफ 5 के साथ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को ऐड करें तो दोनों आपस में ऐड करेंगे कैंसिल तो हो इसके जाएंगे साथ आपके हमारा पास। कैंसिल हो के हमारे साथ हाँ जीरो आंसर देगा। हाँ जीरो आंसर आ जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर इज डेट नंबर व्हिच व्हेन एडेड टू डेट नंबर गिव अस जीरो। इज इट क्लियर नो? जीरो, ओके गुड। यस सर क्लियर। चलिए रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। चलिए सबने ऑप्शन ए को शेड किया होगा। सेकेंड वन हमारे पास है, सेकेंड वन आप देख के बुक में, ये कौन बताएगा एक्सप्लेन करेगा कि 2 × 2 = 3 + 4 इज इक्वल टू 2 3 आ जाता है प्लस दरमियान में और 2 4। हियर द प्रॉपर्टी यूज इज डैश, कौन सी प्रॉपर्टी है जी। हमने इसको डिस्कस किया था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन चले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को तो आप सब डिस्ट्रीब्यूटिव को ऑप्शन सी को सब टिक लगाए, सेकेंड में ऑप्शन सी ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ये कमोटेटिव नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं है, क्लोजर भी नहीं है। बुक सबके पास होगा, पेज 72 पे आ जाए। ऑप्शन सी सबने टिक किया। चले अब कोई बच्चा बता दे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। हरी अब जिसको आता है, विच वन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फातिमा इमरान जी बताए आप, विच वन डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। गुड, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, सही है, क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई है और अंदर प्लस है, और अगर इधर प्लस हो इधर ये दोनों मल्टीप्लाई में हो तब कौन सी होगी, कोई बता सकता है जी। सुदेश बताए आप, सुदेश आलम फरहान आप बता दें। बच्चे सब क्लास में इंटरेस्ट दिया करें ना, ये 4 5 स्कूल क्या क्या आपने क्या समझ गया क्या हो जाएगी। सर, आपने अभी क्या सवाल किया? अच्छा ये सानिया इल्ता, बच्चे आप बता दें। शर्मिश सर फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होगा। गुड शाबाश, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ आ रही है आज के काम। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए, ये कौन एक्सप्लेन करेगा मेरे लिए। शाबाश, थर्ड वन स्क्वायर रूट ऑफ 1 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ 1 ऑलवेज इक्वल्स टू -1। -1 को सब टिक लगाए, दिस इज ऑप्शन सी। -1, एनीवन इनसाइड द क्लास हु कैन एक्सप्लेन दिस एमसीक्यूज। शाबाश, बहुत इजी है, सोच के बताना है। सिर्फ एक बच्चे, दो उमाइसा और फरहान और फातिमा को आ रहा। चले आप उमाइसा आप एक्सप्लेन करें। शाबाश, सर स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के बराबर है, तो उसकी जगह भी आयोटा लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ -1 उसकी जगह भी आयोटा लिख लेंगे, तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर जो है वो गुड फिर शाबाश, -1 के बराबर। एक्सीलेंट, ये इस तरह है, आप सब भी सुन ले। शाबाश, वेल डन।
ये हमने पढ़ा था ना कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन की वैल्यू आयोटा और इसकी वैल्यू भी आयोटा, आयोटा और आयोटा दोनों बेसिस सेम है, पावर शुड बी एडेड, तो आयोटा स्क्वायर आ गया। और आयोटा स्क्वायर किस चीज के बराबर होता है? माइनस वन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर विच इज ऑप्शन सी। टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट इट ऑन द साइड ऑफ योर बुक्स। चले जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सही है, इस एमसीक्यूज में जिसको मसला है वो जरा हैंड रेस करें। बच्चे आप सब सो रहे होते हो या क्या मसला है या समझ आती है? चले इसको गौर से सुनना है। सही है, फर्स्ट तो आप ये बता दें कि व्हाट इज सेड बिल्ड ऑन नोटेशन। शाबाश, Anyone inside the class? It is चले मैं explain कर दूँ, time कम है और मुझे पता है कि फिर आपको नहीं होता है। It is a method for expressing sets. Set को represent करने के हमारे पास तीन तरीके हैं, distributive, tabular and the third one is set builder notation. Set builder notation की definition आपके साथ आप note कर लें। When we express या represent, when we represent the elements of sets by variable, तो इस method को हम क्या बोलते हैं? Set builder notation, या ज्यादा लोग इसको set builder form लिखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, चलिए अब हम आते हैं। ये हमें असल में एक सेट बिल्डर फॉर्म की वो कर रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नंबर ग्रेटर देन माइनस थ्री बट लेस देन सिक्स। नीचे आप अपने बुक की तरफ देखिए, फोर्थ नंबर एमसीक्यूज में आपको एमसीक्यूज में चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये चारों सेट है, ए बी सी डी ऑप्शन में चार सेट आपको दी है। इनमें से कौन सा सेट ऐसे नंबर एक्सप्रेस कर रहे हैं जो कि माइनस थ्री से बड़े हो और सिक्स से छोटे हो? ठीक है, तो इसमें ये सी नंबर जो आपका ऑप्शन है ठीक आ रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं नंबर रे से इसकी वो एक्सप्लेनेशन करवा दूं तो आप सब समझ जाओगे कि आपका लेवल थोड़ा लो है और आप लोग नंबर रेस से ज्यादा फेमिलियर है, तो लिहाजा हम नंबर रेस से ही आपको समझा देते हैं। ठीक है, मतलब मैंने आपको कहा कि इस वाले ऑप्शन को आप सही कर लें कि एक्स इसको रीड किस तरह करोगे। एक्स ये दो डॉट्स आप देख रहे हैं ना, इसको हम लगाते हैं सच डेट के लिए। एक्स सच डेट एक्स इज ग्रेटर देन माइनस थ्री एंड लेस देन सिक्स। इसको हम इस तरह रीड करेंगे, सब अपने साथ रीड कर ले। x such that x is greater than minus 3 and less than 6। अच्छा, अब इसमें कौन से नंबर इंक्लूड होंगे? कोई बता सकते है इसका टेबुलर फॉर्म? कोई बता सकते है? शाबाश, एनीवन इनसाइड द क्लास रेज योर हैंड प्लीज। शाबाश, इसका टेबुलर फॉर्म बताए ना, इसमें कौन कौन से नंबर होंगे? चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, नंबर रे पे मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इसमें ये असल में इस तरह होगा, आप तो नहीं समझते हैं इस पे ज्यादातर, लेकिन चलिए फिर एट चैप्टर जब हम करेंगे 9 और 8 चैप्टर तो उसमें और एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह होगी। सही है, लेकिन ये नंबर रे से आप फेमिलियर है, 1 2 3 4 5 6 इधर 6 है और -1 -2 -3 -1 -2 और इधर -3 है। सही है, जब ये वाली इनइक्वालिटी हो या ये वाली हो, सही है, ये वाली इनइक्वालिटी हो तो हम इसके लिए ये ओपन बाल्स यूज करेंगे। ओपन बाल्स, सही है, ओपन बाल का मतलब ये होता है कि इसमें ये एलिमेंट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अच्छा, और इससे इस तरह एक लाइन लगा कर दोनों को ज्वाइन करवा देंगे तो ये एक ऐसा सेट बन गया कि
कि जिसमें सिक्स और थ्री तो इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन इनके दरमियान जितने नंबर आएंगे ना वो इंक्लूड होंगे। कोई बता सकते हैं कि इस इनके दरमियान कौन से नंबर आ गए? शाबाश, अब तो बता देना आपने। अब तो मैंने नंबर रे पी भी आप लोगों को दिखा दिया। माइनस थ्री और सिक्स के दरमियान कौन कौन से नंबर है? ये सेट कोई कंप्लीट करे। शाबाश जी फरहान। सर माइनस टू माइनस वन। हाँ गुड, शाबाश। माइनस टू माइनस वन, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। हाँ वो सिक्स तो नहीं होगा ना। बस ये इसका टेबुलर फॉर्म हो गया, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया जो कि ठीक है, और ये इसकी नंबर रे हो गई। अपने साथ नोट कर ले, बना ले, प्यार ऐसा बना ले। इससे एमसीक्यूज की जिसको समझ नहीं आई हो वो जरा हैंड रेस करे, मैंने तो काफी एक्सप्लेनेशन की कर ली जी। हाँ कोई है जिसको समझ नहीं आया हो जी? चले, उम्मीद है सबको समझ आ गई। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। ये हमने सॉल्व करना है, सही है? रेडी रहे। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ योर बुक। इफ एन इक्वल्स टू 8 एंड 16 मल्टीप्लाई 2 पावर m इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 पावर n माइनस 8, देन व्हाट इज m? लेट्स सॉल्व दिस। सही है? अच्छा, जिसको मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ, अच्छा जी, ये कह रहे कि अगर आपके पास इस तरह हो कि 16 मल्टीप्लाई 2 पावर m इज इक्वल्स टू 4 पावर n माइनस 8 एंड पुट n इज इक्वल्स टू 8, n को 8 इस्तेमाल करें इस एक्सप्रेशन में और हमें m की वैल्यू निकाल के दे दे। ठीक है जी, तो चलिए इसको हम सॉल्व करना शुरू कर देते। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, कोई बता सकते हैं? बहुत सिंपल है, शाबाश, हेल्प करें मेरी। सही, जिसको आता है शाबाश, मुकाबला है आप लोगों का। बिल्कुल खामोशी चाहिए हुई है, किसी को नहीं आ रहा है। फर्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगा, चलिए जी बस देखिए आप लोग। मैं पुट करूंगा ना, ये तो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि n को 8 पुट करें। n किधर है? n सबको दिख रहा है, n ये है, तो बाकी चीजें अपनी जगह पे। 16 मल्टीप्लाई 2 पावर m इज इक्वल्स टू 4 पावर 8 माइनस 8 जी। ये स्टेप सब समझ गए? एनीवन जिसको कंफ्यूजन हो, मैंने सिर्फ n की जगह पे 8 पुट किया, लिखो अपने साथ। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 8 और 8 क्या होते हैं आपस में? कैंसिल होते हैं ना जी, ये कैंसिल कर ले। 16 मल्टीप्लाई 2 पावर m। चलिए कोई स्टूडेंट मुझे बताए 4 के ऊपर क्या आएगा जी? 4 के ऊपर क्या लिखूं? 8 और 8 कट गए ना, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस है। कोई आंसर तो करे, रेज योर हैंड। जीरो आ गया ना, ये सब समझ गया? नहीं, जिसको कंफ्यूजन हो इधर तक बता दे। इधर जिधर तक मैंने लिखा है, जिसको कंफ्यूजन हो काइंडली जरा बता दे। चले नेक्स्ट स्टेप में देखिए, x नॉट की वैल्यू क्या होती है, ये बता सकते कोई?
एक्स नॉट की वैल्यू जी फातमा बताए आप सर वन हाँ गुड तो वन तो फोर नॉट फोर पॉइंट जीरो की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा वन हाँ गुड तो मतलब हम क्या करें इसके बाद हम ये 16 मल्टीप्लाई टू पावर एम अपनी जगह पे लिख लेंगे और फोर नॉट की जगह पे क्या लगा लेंगे वन लगा लेंगे सही है इधर तक समझ गए सब जी सरोज जान जी अच्छा नेक्स्ट स्टेप में मैं एम निकालना चाहता हूँ ना 16 को बोथ साइड में क्या करवाए डिवाइड करवा दे डिवाइड 16 ऑन बोथ साइड्स तो इस साइड को भी पहले लिख लो अपने लिए और इस साइड को भी इधर भी 16 डिवाइड करवा दे इधर भी 16 डिवाइड करवा दे ये 16 और ये 16 आपस में कैंसल तो इस साइड में क्या रह गया 2 पावर m और इस साइड में 16 1 बाय 16 चले कोई स्टूडेंट इसके बाद बताए ना कि इस 16 के साथ मैं अब क्या करूं फातमा बच्चे आप बताए शाबाश 16 के साथ क्या करें नेक्स्ट स्टेप में इधर तक आप लोग सब स्क्रीनशॉट ले लो शाबाश सर इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या सर इसे मल्टीप्लाई करेंगे सब एक मिनट हमने बेसिस को सेम बनाना है ठीक है हमारा अब ये टारगेट होगा तो इस 16 को मैं 2 बनाने के लिए 16 को 2 बनाने के लिए 2 के ऊपर फिर क्या लिखेंगे देखिए मैं करवा देता हूँ सही है और से देखने सबने हम 2 और m को अपनी जगह पे लिख लेंगे हम 2 और m को अपनी जगह पे लिख लेंगे और 1 बाय 16 को हम लिख सकते हैं 2 और 4 2 पावर 4 से दोबारा क्या आता है 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 आता है चले अब नेक्स्ट स्टेप कौन बता सकता है इधर तो मैंने 2 पावर m लिखा ना इधर एक ला इस्तेमाल होता है कौन बताएगा ये 2 जब ऊपर जाएगा तो इसका ये पावर क्या बनेगा इसका ये पावर क्या बनेगा जी सानिया बच्चे आप बताएं क्या मसला है सर जब 2 ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस में बन जाएगा हाँ माइनस 4 आ जाएगा ना ठीक है अच्छा अब आप बताएं ना कि 2 के लिए इधर 2 है कंपेयर करें टू के लिए 2 है बेसिस सेम है तो उनके पावर्स आपस में क्या होंगे वो भी सेम होंगे मतलब 2 के ऊपर अगर माइनस 4 है ना और वही बेस इधर भी मौजूद है तो इस m के लिए इस साइड में क्या क्या पड़ा हुआ है बताएं माइनस 4 हाँ तो बेसिस आर सेम पावर शुड बी कंपेयर्ड ये एक प्रॉपर्टी हम आइंदा वर्क में यूज करेंगे बेसिस सेम हो पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं सो ऑन कंपैरिजन वी हैव m इज इक्वल्स टू माइनस 4 Is it clear now? So your right option is minus yes, 4. That is the first one option of your book. Is it clear? Chali ji, jidhar aapko masla hai, wo puche sabko. Is MCQs ki sabko samajh aa gayi hogi, theek hai na? Pehle m, n ki value put ki. Aur phir humne aahista aahista, matlab 8 minus 8 ko 0 banaya. उस 4 पावर 0 के लिए 1 पुट किया 16 को डिवाइड किया 16 को 2 पावर 4 लिखा 2 पावर 4 को ऊपर लेके गए हैं
और पावर को कंपेयर करने के बाद हमारे पास m की वैल्यू माइनस फोर आ गई। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इधर तक आप लोगों को कोई मसला हो, ये मैंने आज आपके लिए एमसीक्यूज नंबर 5 तक करवा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिर मजीद एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, चलिए ये सिक्स्थ वन भी आप लोग देख लें, या चलिए खैर है बस इसको कल कर लेंगे। सही है, अब आपको जिसको मसला हो वो हैंड रेस करें। जी सानिया, कुछ मसला है आपको? आपने हैंड रेस किया है। अच्छा, जिसको मसला है रेज योर हैंड प्लीज। ओके, चलिए दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।